आगामी 15 अप्रैल को संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके मद्देनजर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एजीएम सिटी और बीएड के संयोजक ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। एजीएम सिटी आरके श्रीवास्तव और बीएड के संयोजक हिमांशु चतुर्वेदी ने बताया कि उस दिन लगभग 90,000 से लेकर 1,00,000 तक परीक्षार्थी गोरखपुर में मौजूद रहेंगे, जिसके लिए उन्होंने पूर्वोत्तर रेलवे से और रोडवेज से विशेष आग्रह किया है कि गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाए। साथ ही एक सवाल के जवाब में संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि सभी अभ्यर्थी से अपील है कि वह निर्धारित समय से 1 घंटे पूर्व अपने केंद्र पर पहुंचे। इस बार बीएड के परीक्षार्थी पर 50,727 परीक्षार्थी यहाँ गोरखपुर में विभिन्न 102 केंद्रों पर अपनी परीक्षा देंगे और ये इसकी भी संभावना है कि उनके साथ उनके गार्जियन भी यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सी लड़कियाँ होंगी तो उनके गार्जियन वगैरह सब यहाँ आएंगे। तो अनुमानित भीड़ 90,000 से 1,00,000 के बीच में हम लोगों ने एक्स्ट्रा उस दिन गोरखपुर में आएगी। उसके लिए रेलवे अथॉरिटीज़ को और आरएम को, रोडवेज़ को, ये हम लोगों ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि उनके आने जाने की व्यवस्था के लिए जितनी बसों की आवश्यकता हो उसकी व्यवस्था कर ली जाए पूर्व से, ताकि किसी प्रकार से उनको, अभ्यर्थियों को, उनके गार्जियन को दिक्कत ना हो। दूसरा, रेलवे के लिए भी कह दिया गया है स्पेशल ट्रेन अगर चला सकें तो वो चलाएँ, परमिशन लें, अगर वो संभव नहीं है तो कम से कम बोगीज बढ़ा लें ताकि आने वाले परीक्षार्थियों को आने जाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और जो केंद्र के हमारे ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक हैं वो सब अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहेंगे और केंद्र प्रभारी जो यहाँ से मटेरियल लेके जाएंगे अपना एग्जामिनेशन का, उनके साथ पूरी सुरक्षा रहेगी आने और जाने की। और बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पे और पब्लिक प्लेसेस पे पुलिस व्यवस्था सुदृढ़ रहेगी। 102 केंद्र बनाने पड़े हैं, इसलिए शहर के बाहर भी जाना पड़ा है। तो वहाँ के जो केंद्राध्यक्ष हैं उनको आज बुलाया गया था और उनको ये निर्देशित किया गया है कि आप जहाँ पर मुख्य मार्ग से आपका रास्ता कट रहा है महाविद्यालय का, आप वहाँ पर एक फ्लेक्स अपना लगाएंगे, जिस फ्लेक्स पर उस महाविद्यालय का नाम और परीक्षा केंद्र का, परीक्षा कोर्ट का नाम, अनुक्रमांक कहाँ से कहाँ तक के परीक्षार्थी उनके यहाँ परीक्षा दे रहे हैं, और उनका एक प्रतिनिधि वहाँ पर भी खड़ा रहेगा, जिससे कि जो भी परीक्षार्थी आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको केंद्रों तक मुख्य मार्ग से वहाँ तक पहुँचाया जा सके। कितने वॉल्यूम होनी है परीक्षा? 2 वॉल्यूम परीक्षा होगी, सवेरे 9 से 12 और सायंकाल 2 से 5 के बीच। परीक्षार्थियों को कब तक पहुंचना है केंद्र पे? परीक्षार्थी को केंद्र में परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट पहले हर हाल में पहुंच जाना है। खासकर परीक्षार्थी को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि गोरखपुर पहुंचने के पश्चात उसको अपने केंद्रों तक पहुँचने के लिए लगभग घंटे भर का समय लग सकता है, 1.25 घंटे का समय लग सकता है, इसलिए वो समय के पूर्व यहाँ पर पहुँचे और अपने केंद्रों तक, जिससे वो समय से पहुंच सके। परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट पहले केंद्र के द्वार बंद कर दिए जाएंगे, जैसा कि रोहिलखंड विश्वविद्यालय से निर्देश मिला है।